काजीपुर से अभिनंदन वर्मा, बेंगलुरु चीफ की रिपोर्ट। बरसाती बीमारियों से घिरा जटनिया ब्लॉक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि खुद है बीमार। जखनिया ब्लॉक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस समय इतने भारी जलजमाव में घिरा हुआ है कि वहां मरीजों को जाना भी दूर भर हो गया है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने के लिए ग्रामीण लोगों को जान हथेली पर रखकर स्वास्थ्य केंद्र का फासला तय करना पड़ रहा है, जैसे कि कहीं गड्ढे तो कहीं फिसलन। खास वजह है, स्वास्थ्य केंद्र को जाने वाली सड़क इस कदर क्षतिग्रस्त है कि आए दिन मरीज पानी से भरे हुए गड्ढों का शिकार बन रहे हैं। जब अल्पायु एक्सप्रेस न्यूज की टीम द्वारा डॉक्टरों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इस बारे में हमने SDM व अन्य अधिकारियों को जानकारी दे दी है, फिर भी अधिकारियों द्वारा मामले पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा है। नमस्कार, मैं अभिनंदन वर्मा, आप देख रहे हैं अल्पायु एक्सप्रेस। इस समय हम खड़े हैं जखनिया ग्राम सभा क्षेत्र में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जखनिया ब्लॉक पे खड़े हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो जल जमाव भी हो चुका है, मरीज लोगों को आने जाने में दिक्कत भी हुआ हो जो दिक्कत है। और देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर और जितने यहाँ के मरीज वरीज उपलब्ध है कि नहीं, आइए देखते हैं यहाँ पे। एक मिनट, ऐसे कुछ मिलाते हैं जो कि चल कर आ रहे हैं और इनको कितना दिक्कत हो रहा है। सर, आपका नाम? सर, आपको ये सामुदायिक केंद्र में आने और जाने में कितना दिक्कत अनुभव करना पड़ता है, झेलना पड़ता है? बहुत दिक्कत होती है, आप देख रहे हैं आपके सामने है जो भी दिक्कत है। और स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों से आप क्या कहना चाहते हैं इस तरंगे के बारे में? हम तो यही चाहते हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे कोई विभाग हो, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको मनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, लोगों को आवागमन से यहाँ पे बहुत आने जाने में यहाँ पे झेलना पड़ता है। आइए मिलाते हैं डॉक्टर साहब से। आइए देखिए, यहाँ पे जल भरा हो चुका है और लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। और देखिए, जो मरीज आते हैं वो कैसे जाएंगे ये पार कर। आइए हम दिखाते हैं एक बार और डॉक्टर साहब से मिलाते हैं। सर, ये कह रहे हैं कि छोटा सा सवाल हमारा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आने के लिए जो रास्ते पे इतनी कीचड़ है, इतना रास्ता टूटा फूटा हुआ, काफी आवागमन में दिक्कत मरीजों को हो रही है, क्या इसके लिए विभाग को कभी सूचित किया गया है? सर, ये लगभग 5 सालों से प्रचार हमारे द्वारा किया जा रहा है, चिकित्सा अधिकारी उठाया गया है और उनसे शासन स्तर को भी लिखा गया है। लेकिन अभी तक माननीय विधायक जी ने कहा था, माननीय विधायक जी से भी कई बार रिक्वेस्ट किया गया है, SDM साहब से कहा गया है, BDO साहब से कहा गया है और उनसे पत्राचार भी किया गया है और अभी तक इस पे हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम उसको बनवा सकें। जी डॉक्टर साहब, ये SDM साहब द्वारा ये अभी कल माफी हुई है, अभी इस पे बारिश का बारिश में थोड़ा सा ऊंचाई इसकी हम लोग मिट्टी की डलवाई ऊंचाई बढ़ गई है और यहाँ पानी का कहीं निकास नहीं है। तो SDM साहब को उनसे वार्तालाप हुई है, उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इसको हम बनवा देंगे और कल उनके जेई वगैरह आए भी थे, नाप के ले गए हैं, संभवतः एक दो दिन में बारिश बंद होते ही काम लग जाएगा और जल्द ही ये समस्या हल हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आम दिनों के हिसाब से देखा जाए तो बिजली में क्या कोई कमी आई है इस लॉकडाउन के दौरान? जी, रोज जब से उठनी चालू हुई है लगभग 100 से 150 मरीज होते थे, आज अब तक सुबह आज इस
लॉकडाउन अभी ये जो हुआ है आज से जी, तो अभी तक 10-15 मरीज ही आए हैं जी। और एक छोटा सा सवाल है कि ये हाथ जो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में है, यहाँ पे अगर इंजीरियस कोई भी दुर्घटना या एक्सीडेंट का पेशेंट आता है तो क्या यहाँ फैसिलिटीज अवेलेबल है या नहीं गवर्नमेंट की तरफ से? जी, उनका प्राथमिक उपचार करते हैं और उनको हाईवेयर सेंटर भेजते हैं उनकी स्थिति को देखते हुए जी। अगर जैसे साधारण कोई समस्या है, कोई गंभीर समस्या नहीं है, उनका इलाज यहीं हो जाता है, और कोई गंभीर समस्या है तो उनको या तो जिला अस्पताल गाजीपुर या तो वाराणसी के शिफ्ट किया जाता है। सर, एक लास्ट सवाल है मेरा कि क्या COVID-19 के खिलाफ जो जंग में फर्स्ट सबसे अगली क्रम में खड़े हैं मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर लोग, तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्या आप लोगों के माध्यम से भी यहाँ के जागरूकता फैलाई जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है? बिल्कुल, सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो भी गंभीर मरीज है उनके घर घर लोग जा रहे हैं, हमारी आशाएं बने, आंगनवाड़ी बने और एकदम पोलियो के तर्ज पर काम हो रहा है। जो किस घर में समस्या हो, जो अति गंभीर बूढ़े हैं, बच्चे हैं और जो किसी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनकी लाइन स्कीम हो रही है, घर घर जाकर लोग पूछ रहे हैं और उनका जो भी कोई समस्या होने पर उनको यहाँ भेज रहे हैं, उनकी COVID-19 की जाँच की जा रही है। हमारे चैनल के माध्यम से आप इस क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस क्षेत्र की जनता को हम घर घरों से कम मिले, बार बार हाथ धोए, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और अति आवश्यक हो तभी घरों से बाहर निकले, नहीं तो इस कोरोना के चैन को तोड़ने में हमारी राज्य सरकार और तमाम जो भी कोशिशें हैं उसको उस चैन को तोड़ने में हमारी मदद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब हमारे चैनल को समय देने के लिए, आपका दिन शुभ हो।